बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करदा वां अल्लाह पाक दे बाबरकत नाम तो जिहड़ा बहुत वड्डा मेहरबान ते बहुत ही रहम करन वाला वा। अस्सलामु अलैकुम सजणो बेलियो मित्रो भराओ, की हाल चाल है तुहाडा? उम्मीद करदा वां कि ठीक होवोगे। तो यार अलहमदुल्ला मैं भी ठीक हूँ। अज मैं भरावां लई लैके आ गया हड़ू गोभी की छां के वढ़ाई। आड़ू गोभी की छां के वढ़ाई किस तरह की जाती है, यह देख सकते हैं जी। ए लेबर छांग रही है, छांग के नाल ही वढ़ाई कर रही है। जिहड़ा फुल उन्होंने थोड़ा लग रहा कि वड्डा हो गया वा, या इन्हें इस कोलों वड्डा नहीं होना, यह खराब हो गया फुल, उन्होंने छांग के फिर वो वढ़ के टोकरे पा देंगे। वो टोकरा जिहड़ा हुंदा जी रक्षे चला जाता वा, रक्षे वाला जिमीदार जिहड़ा हुंदा जी वह फिर रक्षे दे चिण लैंदा। यह देख सकते हैं जी, यह फुल छंगया गया, ये पत्ते उत्तों छंग दिते गए, यह हुण वढ़िया गया फुल। यह वढ़ के ते हुण टोकरे दे विच रख दिता जाणा वा फुल। यह टोकरे दे विच फुल रखे तुसीं देख सकते हैं। यह नाल नाल एक औरत तुरी जा रही है, दूसरी दो औरतां वढ़ रही वा। इस तरीके नाल ही मर्द भी, मतलब पिछली मैं वीडियो दिखाया, तो मैं मजीद अगे भी भरावां लई वीडियो लैके आऊँगा कि जिहदे विच बहुत ज़्यादा तरीके नाल छांग के गोभी वढ़ाई की जाती है। उहदे विच तरीकेकार यह हुंदा कि वह देख लईदा कि शाह जोर लगी आ, हंडाई लगी आ, रक्षा लगा वा, या पिकअप साढ़े कोल लगी आ, जिहड़ी भी कोई गड्डी लगी आ, उस हिसाब दे नाल फिर वह खेलां पहले छांग लईआं जांदियां, अंदाजा कर लिया जांदा इन्नियां खेलां नाल साडी इह चीज़ गड्डी भर जाणी आ, रक्षा हुंडाई शाजो जिहड़ी भी कोई गड्डी साढ़े को लगी हुई है, तो उन्नियाँ खेलां पहले छांग लिया जांदियां, तो फिर फटाफट जिहड़ा ना वढ़ाई करके तो चिण दिती जांदी है। यह देख सकते हैं जी, ये फुल छंगया होया वा, तो इहनू हुण दो दातियां लगाणियां इस भैण मेरी ने, तो यह वढ़िया जाणा, यह टोकरे चला गया। तो दोस्तों बारिशों का सिलसिला हाले भी साढ़े इतने काफ़ी जारी आ, काफ़ी चल रही है बारिशें। अज भी मौसम काफ़ी क्लाउडी है सिगा, काफ़ी बदल जे आए हुए थे, तो हुण जरा कुछ धुप निकली सी। तो यह तुसीं टोकरा देख सकते हैं जी, भरिया होया गोभी के फुलों का, यह थोड़ा जिहा पीले रंग जो तुहानूं फुल नज़र आ रहा होगा, उसकी वजह ना इस चीज़ की है कि हाले गर्मी थोड़ी ज़्यादा वा, धुप की वजह ना थोड़ा जहा पीला हो जाता वा। देख सकते हैं जी इस टाइम हाले गोभी का सीजन चल रहा वा, तो चार फेरे गोभी ही गोभी नज़र आ रही है। तो हूँ तो माशाल्लाह काफ़ी सारे जिमीदार भरा जोड़े आ गोभी वड के रक्षा वैगना च, वैगना तो खैर हाले नहीं जा रही, लेकिन रक्षे जा रहे हैं भर के। तो माशाल्लाह रेट भी खैर फिलहाल तक ठीक चल रहा वा गोभी का, कि जिमीदार गुदवाने लभन गए वे। तो देख सकते हैं कि हर पासे गोभी ही गोभी नज़र आ रही, कोई छोटी कोई वड्डी, जिस तरीके लगाई गई है उस तरीके ही वह काम किया जा रहा है। जो तो फुल निकलिया तो वढ़ाई हो रही है, जो मिट्टी लगन वाली है तो मिट्टी लाई जा रही है, जो गोडी करने वाली है तो गोडी हो रही है। यह देख सकते हैं जी, अभी फुल छंगया जा रहा है, वढ़िया गया फुल। इस तरीके ही जिन्होंने फुल सारे दुआड़क फिरना वा, उदों तक जो तक तकरीबन रक्षा भरने वाला ही हो गया वा, तो जल्दी ही भरया जाना। यह भी एक फुल छंगया जा रहा है, उसके पत्ते की वजह से तुम्हें फुल छंगया नज़र नहीं आ रहा। तो अगे मैं फिर मजीद डिटेल जिस टाइम वीडियो अपने भरावों लिए लैके आऊँगा, वो फिर सारी छंगाई तुम दिखावे इंशाल्लाह कि किस तरीके पूरी छंगाई की जाती है, फिर छंगे हुए फुल कि खूबसूरत लगते हैं। यह भी देख सकते हैं जी, यह फुल छंगया जा रहा वा, एक ने छंगया तो दूसरी ने वढ़ लिया। यह टोकरा फुल भरया होया जी, हुण देख सकते हैं काफ़ी वतनी हुंदा वा, तो जिहड़े गरीब तबका लोग आ, मजदूर लोग आ, मेहनत कश अपने बच्चों का पेट पालन वास्ते तो यह मेहनत मजदूरी करते आ। मैं तुम्हें अभी भी दस चुका कि पाकिस्तान के हालात मुआशी हालात जोड़े बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान के कोई कारोबार नहीं, कोई बिजनेस नहीं इतना ज़्यादा है, मेहनत मजदूरी है जिते क्लब की आ उ कर
ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ ਚਿਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਟੁਕੜਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਭੀ ਚਿਣਨੀ ਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਚਿਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਚਿਣਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚਿਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੋਭੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਰਾਸਤੇ ਜੰਪ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਰਗੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫੁੱਲ ਰਗੜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਰਗੜ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੇਟ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛਾਂਟ, ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੋਭੀ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਧੁੱਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਿੜ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਫੁੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਸਤਾ ਵਿਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿਣ ਰਹੇ ਆ ਗੋਭੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਭੀ ਚਿਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਜੀ ਛਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ, ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹ ਛਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ। ਫੁੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਧੁੱਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੜ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਚਿਣਦੇ ਆ, ਚਿਣ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਰਗੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫੁੱਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਮੁਜਾਹਦ ਗੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਯਾਰ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ।